गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं शारदा प्रसाद, आपका बायोलॉजी टीचर। आज का हमारा टॉपिक है श्वसन यानी रेस्पिरेशन। इससे पिछली वीडियो में हमने पोषण के विषय में डिटेल में पढ़ा था, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। श्वसन। श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज यानी भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के द्वारा होता है, जिससे उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा साथ में CO2 भी मुक्त होती है। तो इस जैव रासायनिक प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। क्लास श्वसन के प्रकार। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के अनुसार कह सकते हैं, या ऑक्सीजन की आवश्यकता के अनुसार श्वसन जो है वो दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला है वायवी या ऑक्सी श्वसन, जिसे एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो वायवी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होता है तथा ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, जिससे CO2 जल तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस श्वसन को हम ऑक्सी श्वसन या वायवी श्वसन कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देखते हैं, ग्लूकोज जो है C6H12O6 इसका अणुसूत्र है, जिसमें ऑक्सीजन के द्वारा इसका ऑक्सीकरण होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा 38 ATP, यानी कि अगर हम बात करें कि एक अणु अगर ग्लूकोज का है तो उससे ऊर्जा के 38 ATP, जिसमें 673 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, का निर्माण होता है। दूसरा है अवायवी श्वसन, या जिसे अनाक्सी श्वसन भी कहते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस क्रिया को किण्वन यानी फर्मेंटेशन कहते हैं, यानी इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है, जिसके फलस्वरूप CO2, एथिल अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल तथा कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। यानी कि यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है उसका आंशिक विघटन होगा, जिससे कुछ मात्रा में CO2 बनेगा, एथिल अल्कोहल बनेगा या लैक्टिक अम्ल बनेगा तथा कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे ग्लूकोज है इसका किण्वन होता है, तो यहाँ पे एथिल अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 2 ATP जो ऊर्जा के अणु हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनते हैं, जिससे 27 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला है श्वसन की अवस्थाएँ। श्वसन की मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं होती हैं, जिसमें पहला है बाह्य श्वसन या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसमें गैसीय आदान प्रदान बाह्य पर्यावरण यानी जल तथा वायु तथा रुधिर के बीच होता है, तो इसको हम बाह्य श्वसन कहते हैं। दूसरा है आंतरिक या ऊतक श्वसन, जिसे इंटरनल और टिश्यू रेस्पिरेशन भी कहते हैं। इसमें ऊतक तथा बाह्य कोश की वातावरण के मध्य श्वसनीय गैसों का विनिमय होता है। श्वसनीय गैसें मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय होता है। तीसरा है कोश की श्वसन, जिसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। यह एक एंजाइम नियंत्रित चरणबद्ध रासायनिक क्रिया है, जिसके अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने से ऊर्जा मुक्त होती है, तो इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अगला है पादपों में श्वसन। इस क्रिया यानी कि पादप में श्वसन कैसा होता है, जैसे अगर हम जंतुओं की अपेक्षा देखें तो पादप में कोई विशेष अंग इसके लिए नहीं होते। तो इस क्रिया के अंतर्गत पादप O2 यानी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा CO2 मुक्त करते हैं। पादपों में श्वसन क्रिया जड़, तना तथा पत्तियों किसी के माध्यम से भी हो सकती है। जड़ एवं तनों में वातरंध्र की सहायता से, यानी कि जड़ और तने में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको वातरंध्र या लेंटिसल कहते हैं, इसके माध्यम से होती है, जबकि पत्तियों में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है, के माध्यम से होती है। तो जंतुओं में श्वसन, यानी कि जंतुओं में श्वसन क्रिया के लिए कुछ विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं, जैसे कि कुछ सरल प्रकार के जीव हैं तो उनमें श्वसन अलग तरीके से होगा, जो थोड़ा से जटिल प्रकार के जीव हैं उनमें श्वसन अलग प्रकार से होता है। तो अगर हम बात करें कि जैसे जंतुओं में श्वसन क्रिया श्वसन अंग के माध्यम से होती है, जैसे कि एक कोश की अगर हम जंतुओं की बात करें, तो जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, इनमें जो श्वसन की क्रिया होती है वो त्वचा के माध्यम से होती है। इसी तरह से जो आर्थ्रोपोड्स हैं, तो आर्थ्रोपोड्स में त्वचा के माध्यम से होती है, कुछ में क्लोम के द्वारा, यानी कि अगर आर्थ्रोपोड्स हैं। इसी तरह जो जलीय जीव हैं उनमें विशेषता
श्वसन जो होता है वो क्लोम यानी गिल्स जिनको कहते हैं उनके माध्यम से होता है, ये श्वसन अंग है। इसी तरह से जो कीट पतंगे हैं उनमें श्वसन के लिए ट्रैकिया जिसे हम श्वास नली कह सकते हैं या वायुनाल कह सकते हैं के द्वारा होती है। इसी तरह से जो सर्प है, छिपकली है, कछुआ है, जो अफ्तनी है उनमें श्वसन के लिए मुख्य अंग जो है वो फेफड़े पाए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें जलीय जीवों में श्वसन, तो जलीय जीव जल में मिले ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के माध्यम से करते हैं, और स्थलीय जीवों में श्वसन जो होता है, स्थलीय जीव श्वसन क्रिया के लिए वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं।